सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंह ब्लॉग्स अगेन। मैं आपका दोस्त देविंदर सिंह। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा पीएम मोदी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों, जो कि डेरा ब्यास राधा स्वामी सत्संग ब्यास के चीफ हैं, उनसे मिले। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पीएम मोदी ने बाबा जी को बुलाया था और इस मीटिंग के पीछे क्या कारण था। और जैसा आपको पता ही है दोस्तों, हर एक पॉलिटिशियन डेरा ब्यास में आता रहता है बाबा जी से मिलने। और जहां भी बाबा जी अपने प्रोग्राम के लिए, सत्संग के लिए जाते हैं, कोई ना कोई जो नेता है, पॉलिटिशियन है, वो पहुंच ही जाता है बाबा जी से मिलने। और बाबा जी किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। उनका यही कहना होता है कि संगत किसी को भी वोट दे सकती है अपनी मर्जी के अनुसार। और दोस्तों, आज यानी कि सोमवार को पीएम मोदी की रैली थी जलंधर में, पीएपी ग्राउंड में। पंजाब में रैली से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर पीएम ने खुद ट्विटर पर साझा की। उनाव से सिर्फ 7 दिन पहले हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और जलंधर के बाद 16 फरवरी को पीएम पठानकोट और 17 फरवरी को फजिलका में रैली करेंगे। सूबे में डेरा ब्यास के अनुयायियों की बड़ी संख्या के मद्देनजर पीएम के साथ डेरा मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। और यहां कई बड़े नेता जाते रहते हैं। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे अपनी पर्सनल ओपिनियन शेयर की थी और कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि मैं बीजेपी को गलत बोल रहा हूँ या किसी और पार्टी के साथ में हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं किसी भी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को वोट देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंडिया का हाल। लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है, और वही रियलिटी मैंने आपसे उस वीडियो में शेयर की थी और इसलिए मैंने ऐसा कहा था। लेकिन हमें इन पार्टियों की वजह से एक दूसरे से मनमुटाव नहीं करना दोस्तों। इस प्यार के दौर में, इस रूहानियत के दौर में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हमें बस बाबा जी के हुक्म में रहना है, वो है भजन सिमरन और सबसे प्रेम और प्यार। और अगर ऐसी चीजें, ऐसा अनबन हमारे मन में आने लग गया तो हमसे रूहानियत की कमाई नहीं होगी, भजन बंदगी नहीं होगी, हम उस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे। फिर हम इसी बातों में लगे रहेंगे और बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही ब्यास रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। टेक केयर, बाय बाय।